करप्शन को कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस को करप्शन चाहिए, कांग्रेस और करप्शन मिलकर के करप्शन के नए रिकॉर्ड करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। ये रैलियों में भीड़ देख रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में नरेंद्र मोदी तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमलावर भी दिख रहे हैं। जो पार्टियां मोदी के खिलाफ बोलती दिख रही हैं, तो खुद ब खुद नरेंद्र मोदी भी उन पर पलटवार करते दिख रहे हैं। कांग्रेस की हालत टाइटेनिक जहाज की तरह, ये हर एक नए दिन के साथ डूबती ही जा रही है। ऐसे में अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, जिसमें किसानों से लेकर आम लोगों तक के फायदे की बात कही गई है। बीजेपी पार्टी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस मैनिफेस्टो के जरिए सिर्फ लोगों को लोक लुभावन सपने दिखाकर तोड़ना चाहती है। उनके टकोसला पत्रों को पढ़ेंगे। अभी 3 दिन पहले टकोसला पत्र आया है ना। अगर आप उनके टकोसला पत्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। खबर इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपने संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवाओं एवं महिला सशक्तिकरण पर खास जोर देने वाली है। किसानों के कल्याण के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को लोगों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने का सुझाव भी शामिल है। भाजपा का संकल्प पत्र सोमवार को जारी किया जाने का अनुमान है। जानकारी इस बात की भी है कि इसके साथ पार्टी पिछले 5 सालों के कामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि इसमें किसानों पर खासा जोर रहेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों को ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर देश किसी भी तरह की नरमी नहीं रखेगा। किसान और नौजवानों के कल्याण से जुड़े विषयों पर ज्यादातर ध्यान होगा और रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर पर भी खाका पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि अपने घोषणा पत्र में गरीबों को आर्थिक मदद प्रदान करने के संबंधी न्याय योजना के वादे के मद्देनजर भाजपा अपने संकल्प पत्र को ज्यादा धारदार और लुभावना बनाकर पेश करना चाहती है। इसमें जनरल कैटेगरी के गरीबों को 10% आरक्षण देने की पहल पर आराम से बातचीत हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को कामगार बनाने के संबंध में विस्तार से बात कर सकते हैं। जानकारी इस बात की भी दे देगी किसान कल्याण के संबंध में भाजपा को लोगों से बड़े पैमाने पर सुझाव मिले हैं। इसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने का सुझाव मेन माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा अपने संकल्प पत्र में युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान देने वाली है। पार्टी को लोगों से इस संबंध में काफी सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद में महिलाओं के लिए कम से कम 15% आरक्षण, संवैधानिक अधिकारियों की सुरक्षा के संबंधी आयोगों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का सुझाव मिला है। दिलचस्प बात यह है कि महिला कारोबारियों को टैक्स में छूट और शहीद जवानों की विधवाओं को सरकारी नौकरी देने का सुझाव भी प्राप्त हुआ है। आखिर में बताना चाहेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्वरोजगार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की लेकर बात की जा रही है। इसमें 3 तलाक, राम मंदिर, एक देश एक चुनाव के विषयों पर भी लोगों ने काफी अच्छी तरह से मंजूरी दी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्टी ने संकल्प पत्र समिति बनाई थी। इसके तहत देश भर में करीब 7500 सुझाव पेटियां, 300 रथ और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सुझाव प्राप्त किए गए हैं। दर्शक, आने वाले बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।